रोमा कदू आना ही तब बच्चों लाके से आ जाए मेरे को। आंसुओं से भरी आंखों से मुस्कुराते हैं, दिल को समझाकर हम नए चेहरे रोज सजाते हैं। अभी भी अंदर का वो बचपन नहीं गया, ख्वाब में भी देखूं तो उन्हीं गलियों में फिरते हैं, दिल के सारे तार उसी घर से जुड़ते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत बारी सुनया कि लोग कहते हैं कि बाहर रहने वालों का खून सफेद हो जाता है। मैं लगता दूर रह रह के ना हिरस भी मुक जाती। मैं बुजुर्ग हो गई तो दम, जब हमने दम खोला तो देखे कितना जबरदस्त हमारे चावल जो है वो तैयार हुए हुए थे कि फुल रेसिपी मैं आपको किसी दिन और दे दूंगी। अभी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं आज बस काफी दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए और मेरे जाने का टाइम भी बिल्कुल नज़दीक आ गया। इत्थे इस घर च कल्या रहन दा एक्सपीरियंस जिहड़ा है बहुत ही मुश्किल है कि कल्या रहना और उन्हां सारियां चीज़ां नूं महसूस करना जिहड़ियां इत्थे नहीं। अब्बू नाल मैं किन्नियां कु गल्लां कर लवां, किन्ना कु ओह मेरे नाल गल्लां कर लैण। इस तरह ही टाइम और इस तरह ही दिन गुजरते गए। अब्बू आउण लगे ने, अंदर बाहर बैठे सी। इन्हां नूं पाणी दित्ता किचन में जाए देखें। माफिया कहती सी हांडी अज मैं पकानी, मैं क्या चल तू पका लै, इन बड़ा शौक है हांडी पका का। पकाया ही दिखा मैनू। वाह 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 माफिया पकाती पई है। मुर्गी कहती सी मैं पकानी अज, मैं क्या चल तू पका लै, तू खा लै। की खा के आए? हाँ होर की खा के आए? हाय नहीं घबरा पैंदा भी, घबरा मेरी खाला कहती होती थी घबराहट है। होर सी गर्मा, हम अपनी बाजी की तरफ अभी गए भी थी, कजन की तरफ, वहां से अभी आए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इस घर में अकेले रहना बहुत ही मुश्किल है। ज़िंदगी ढूंढते हैं हम उन चीज़ों में जिनमें कभी ज़िंदगी रही हो। और मैंने इसी के ऊपर एक पोएट्री लिखी थी अपने इस घर के उत्ते, उन यादा उत्ते जिहड़ियां कभी इस घर च असी गुजारियां सन। माफिया सुनो, दिल में आज भी मासूम सा छोटा सा एक बच्चा रहता है, मासूम सा कभी खुद से भी बेगाना लगता है। यादें कुछ खिलौनों सी दिल रोज चाहता है, कोई लौटा दे उन्हें कि दिल हंसने को करता है। कद भी बड़ा और जिंदगी के साल भी कुछ बढ़ गए, अपने प्यारों से फिर फासले भी बढ़ गए। आंसुओं से भरी आंखों से मुस्कुराते हैं, दिल को समझाकर हम नए चेहरे रोज सजाते हैं। गुड़िया का घर वो अच्छा था जहाँ एक जिंदगी आबाद थी, महकते दिन रात थे न कोई गम की शाम थी, अम्मी और बेजी की दुआएं रोज मिलती थी, भूख प्यास सब उनके साथ लगती थी। ठंडी बर्फ में लगे वो आम थे कि जिंदगी, पुप्पो की मोहब्बत की खुशबू उनमें से रोज आती थी। वैसा सच्चा प्यार वो ममता से भरी चाहते, कीमा भरे करेले ठंडी लस्सी की वो राहतें, शाम में वो चारपाइयां और सहन की रौनकें, ठंडे पानी का छिड़काव दूर करे सब हिद्दतें। अभी भी अंदर का वो बचपन नहीं गया, ख्वाब में भी देखूं तो उन्हीं गलियों में फिरते हैं, दिल के सारे तार उसी घर से जुड़ते हैं। मैं का सलामत रखना मेरे परवरदिगार तू, बच्चे से दिल की ख्वाहिश है करना कबूल। तो बस मैं अपने जिहड़ी एक कहानी सी ना साडे घर दी, मैं इस पोएट्री च लिखी। और तुसी यकीन करो मेरा इन्ने दिन तो व्लॉग नहीं आ रहा, मैं दिल बहुत ही उदास और परेशान है कि अब्बू नूं मैं किस तरह छड्ड के जावां।
जिन्ना तुसी माँ बाप दे नज़दीक रवो, जिन्ना तुसी उन्हां दे कोल रवो, उन्ना ही तुहाडा उन्हां तों दूर रहना मुश्किल हो जाता है। मैं बहुत बारी सुनिया कि लोग कहिंदे ने कि बाहर रहण वालियां दा खून सफेद हो जाता है। मैनूं लगता दूर रह रह के ना हिरस भी मुक जाती, दिल च वो फिक्र वो प्यार रह नहीं जाता। आदत हो जाती है उन्हां दे बगैर रहण दी, आदत हो जाती है वो आवाज़ां ना सुनन दी। लेकिन जो तुसी माँ बाप के बहुत नज़दीक रहिंदे हो ना, तुहाडा उन्हां दे नाल रोज़ दा गलबात दा सिलसिला हुंदा, तुसी उन्हां दे कोल आ के रहिंदे हो, वो तुहानूं उही प्यार करदे ने जिहड़ा वो तुहानूं बचपन च करदे सन, फिर तुहाडा जाना बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर वो रुखसती बड़ी तकलीफ दे हो जाती है। बाकी अपनियां जिम्मेदारियां भी अपनी जगह ते ने, सब कुछ ए जी बाहर असी आए सा, मैं ते सना ते इत्थे दुकान दे विच हलवा ते नान जिहड़े ने ओह विकदे पे सन, विकदे नहीं पे, वह वंडदे पे सन। माफिया तू ही विखा अपनी, फिर ना कहना माफिया को आइसक्रीम नहीं थी दी। हैं, हम खाने लगे हैं कुल्फा आइसक्रीम में और माफिया, है ना। बस अबू जी सो जाते हैं और बस फिर मैं और माफिया इस वक्त बैठे होते हैं, है ना। की कहती पई है? कितने छेक के भेजेंगी मैनू तस्वीर है? मेनू ए चंगी लगती, ओ नहीं मेनू चंगी लगती। मैं बुजुर्ग हो गई तां कहती है तुसी बुजुर्ग हो गए तो तुहानूं कुल्फी चंगी नहीं लगती। चल ठीक है फिर, है मैनूं तां चंगी लगती आ। हाँ तैनूं कुल्फी चंगी लगती? नहीं मैनूं कुल्फी चंगी लगती पर यह ना बहुत बहुत मिठी है। हाँ 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 वधिया है ना, वह वधिया होंदी है। आवाज ना गोला बज गई, कि नाच पढ़ती होंगी सर। कॉल की थी मेरा फोन अंदर पे है, चल कालियां तोरियां ले दूध पर हम स्टॉक कर दूध, चल आओ फिर हूं चल इन राह ले फ्रिज दूध भी ले सजा। आटा सा डाउन मुक गया है, साडे जान च भी रह गए थोड़े दिन, असि हुण फिर तंदूर तो रोटियां दोपहर चाहिए होनियां सन। गरम गरम करके खावांगे फिर। माफी मैं टोकरी दे, मेरे जान से थोड़े देर रह गए ने, मेरे जान से। अच्छा तो तुसी फिर तो नोट मैं बुच्छी को जाना फिर हूँ है। नहीं जाना अबू, इतने कल्या किंज रहना है। फिर सानू टेंशन होएगी ना, उथे इथे ते हले मैं इथे ते हले मैं मैं ना कोलमा फिर चंगी तरह धोख दे हले मैं वा इथे मैं नहीं होना ते फिर कल्या किंज रहना। कल्या क्या हाल ही अपने पका के दे दे ना, उस वेले भेज छड़ दे हुंदे ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਡਬਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂਬਾ ਕਿਚਨ ਚ ਕੰਮ ਕਿੰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੂਬਾ ਦੀ, ਆਹੋ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਅੰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਆ ਇੱਧਰ
आहो ये वेला ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੇਜੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਘਰ ਪੁੱਪੂਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨੇ ਉਨਕੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਸਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਣਾ उनकी बातें नहीं सुननी ये हमारी अम्मी की आदत होती थी हमारी अगर दो तीन पुप्पो आई हैं तो अम्मी कमरे में नहीं जाया करती थी कि वो बहने हैं देर के बाद मिली हैं उनकी अपनी बातें होंगी तो अपना काम करती रहती थी बाहर ही बस आदत ना असि अपनी माँ को सीखी है किसी को स्पेस देना सर पे नहीं चढ़ना देखो तूबा बड़ी स्वीट है भाई बड़ी माशाल्लाह मेरी चीज मेरी चीज बड़ी स्वीट है वो चुपके मार इन भी मार चुपके शाबाश 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 बाहर रहना सौखा नहीं काम भी करने पैंदे ने बाहर दे घर बच्चे भी संभालने पैंदे ने सारा कुछ करना पैंदा है जिंदगी इतनी गुलजार नहीं है जितनी आपको लगती बड़ा औखा जे बाहर वालियां धीआं नूं जरा पुछ के वेखो तुसीं किंज रहिंदियां ने कैसे जो है ना वो सारा कुछ करती अब पूरे नीचे जाना वही है तो काम बड़ा ही होना मुश्किल हुंदा पिया है ये तो बड़ी टेंशन है कल्ले अब नहीं रह सकते तुसी तुहाडे नाल कोई बंदा चाहिए इत्थे जमी घर है गवांड मेरे नाल ने गवांड अपने अपने घर ने ओ कोई साडे घर कोई नहीं अल्लाह ख्याल करे कोई नहीं मनो हेलो हैं मैं तो तू ही खड़ा तो और मुंह की चाहिए दा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਛੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰੋਮ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਹੈ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਿਆ ਕਿਹੜਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਐਡੇ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਆਏਗੀ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ घर भरिया लगता ना सुकून है बड़ा तोरियां जड़िया ने ना मैं बड़िया चंगी लगदिया उत्थे नहीं मिलदिया अब उत्थे मिलदिया ही नहीं ना ऐ वालिया नहीं मिलदिया अब मैं सबको करूंगी फोन और उनको बुजी का फैसला सुनाऊंगी ਇਹ ਬੁਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਔਲਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਟੋਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਬਸ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਰੋਮਾ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਰੋਮਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਛੀ ਪੁੱਛ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ
बस रोमा का इंतजार है, उन्होंने लगता है मैं जाना है तो नाल ही रोमा ने आ जाना है। तुसी भी तोरिया ही खाइयो आज, तुसी भी आज यही खाइयो खाइयो ता थोड़ा जा ना खाली खानी है। आहो खाली नहीं खानी है, खाली की हो है, खाली की हो यार, खाली की हो यार, एक बोटी में इसको ले लो। वही कश्मीरियों के घर से खाली शाह के जो पके तुसी कहते हो कि खाली पकाई है विच गोश्त नहीं पाया, अम्मी कहती है मैं अपनी बोटी ला के पा दूंगा विच। तो बाहर से आ रहा है नाश्ता है, दरवाजा खुला सी, ये देखें जी ये आया है चने और क्या कहते हैं पराठे, तंदूरी पराठे आपको अभी दिखाती हूँ। ओ ते पराठे होर तरह के ने, ते नान टाइप ले आया। अच्छा मैंने कहा था पराठे लाने हैं तंदूरी पर, ये शायद तंदूरी पराठे ही हैं। ऐ जी चने, अच्छा मज़ेदार है, नान है ना, ओ होर तरह के नहीं पराठे जेडे मैं कहती पई सा, आहो आहो ओ वाले लिया पाव अगे अगे करना ले। हमारा यहाँ पे हो रहा है नाश्ता, देखें वो तो बैठ के खा रही है, अभी मैं भी खाऊंगी इसके। ओ सुनो ना पराठा है कुदे विच पे आई कि फिर नान पे ने फ्रिज दे विच कुछ ते आई नान ने, उसको ऑयल लगा रही है, ऑयल लगा के बना रही है चाय ना खाई है, लो चाय बनाने लगी जो चने नहीं सही लगे उसको चने ठीक नहीं लगे, वो चाय बनाएगी अब। मेरी चाय नहीं बनाई कहती पहला दसना सी आप मामे में कॉन्फिडेंस चेक करे तो तुझे दसिया तुझे चाय पीनी हूँ सही है चल शुक्र है तेनू सही लग्या। अबू जी उठ गए हुए हैं, जाके देखें जरा गर्मी है, गर्मी देखें अबू जी मैच देख रहे हैं बैठ के। लो ये देखो आइसक्रीम खाएंगे ठंडी ठंडी, रात को मैंने माफिया ने खाई थी हम दोनों ने, देखें हले बड़ी जम्मी है जा दो गोलियां देखें। हेलो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, माफिया कहती वो कुल्फी खाएगी, तू तो कहती थी कुल्फी बुजुर्गों के खाने वाली है, है? कुल्फी नहीं ए बुजुर्गों के खाने वाली है। लो जी फिर हम आए किचन में, यहाँ पे बन रहा है लैम पुलाव यखनी, मैंने जिस तरह चिकन की यखनी पुलाव उस दिन बनाया था वैसे यखनी लैम की हमने निकाल ली थी, प्याज टमाटर हरी मिर्चें हमने डाल के मसाले में, और ये यखनी का जो लैम था यह निकल आया, बस इन ये पा के चंगी तरह आपने भून बना लेना है इस तरह से, बड़ा सोना सा करके इसको भून लें, और इसमें फिर मैंने नमक और गरम मसाला वो भी डाल दिया था बस कुछ कुछ क्लिप ने यखनी, फिर हमने इसमें डोल डाल के ऊपर इसके दे दिया टकना, और यहाँ पे हमने 3 कप चावल भिगोए हुए हैं, और यहाँ पे 1 शोल्डर जो है उसका मीट था, बस हमने इसको इसमें डाल के सब कुछ मिक्स चिक्स कर दिया, नमक सान लग गया काटे, फिर असी नमक के दे थोड़ा जा होर पा के ऊपर हमने दे दिया इसके टकना, और पर इसके ऊपर फिर हमने हरा मसाला और जर्दा रंग ला लगा लगू के इसको हमने लगा दिया दम। जब हमने दम खोला तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारे चावल जो हैं वो तैयार हुए हुए थे। बस जी इसको अब हम मिक्स करेंगे, सना आई सना कहती लियाओ मैं ये ज़रा चम्मच चम्मच फेरा इन्हें मिक्स करा, देखें क्या ज़बरदस्त पुलाव 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 बिरयानी बनाई। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको किसी दिन और दे दूँगी, अभी बस इतने क्लिप्स ही हम रिकॉर्ड कर सके, और यहाँ पर था सैलड। बस छेती आ जा,
ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਰੋਮਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰੋਮਾ ਮਾਫੀਆ ਖਲੋਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦਹੀਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਈ ਰਹੇ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 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 ਮੱਛਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫਰਾਕ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਪਜਾਮਾ ਤੇਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆ ਫਰਾਕ ਤੇਰੀ ਘਰ ਪਈ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੌੜ ਹੈ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲੀ ਨੋ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਵੇਂਗੀ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੂੰ ਚੜੇਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਵੇ ਕੋ ਕਿੱਡਾ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਾਲਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਅੱਜ ਚਿੱਟੇ ਕਾਂਟੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਕਾਂਟੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਸਵੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਰੀਮ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਬਫੜੀ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਂ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨੀ ਠੰਡੇ ਅੱਬੂ ਉਂਝ ਨੀ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਹੈ ਉਧਰ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ।